स्वागत है आपके चैनल वेल्थ अनमोर। ये वीडियो में तीन स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है ग्लेनमार्क। के स्टॉक का रिसेंटली अभी जो रिजल्ट आया था तो वहाँ पे प्रॉफिट में डिक्लाइन था, बट अगर हम ये स्टॉक को देखते तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस मैंने किया है, बट जो स्टॉक अराउंड 1200 के लेवल्स पे ट्रेड किया करता था, अभी वो आ गया 371 के लेवल पे। अभी ये मंथली चार्ट यहाँ पे लगा है, तो हम देखते हैं कि ये चार्ट में ये जो स्टॉक है ये बहुत महीने से एक ही लेवल पे एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर एक 410 का एक लेवल है यहाँ पे, 410 का, और नीचे का जो लेवल है वो 350 का रफली हम बोल सकते हैं एक लेवल है। ओके, ये जोन में ही ये स्टॉक 3-4 महीने से ट्रेड कर रहा है। ना ही उसने ब्रेकअप दिया है, ना ही उसने ब्रेकडाउन दिया है, तो ये नैरो जोन में अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको अगर ये स्टॉक के फंडामेंटल्स में बिलीव है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स उसको होल्ड कर रहे हैं, और अराउंड 18% के अराउंड स्टेक रिटेल शेयर होल्डर्स के पास भी है। तो स्टॉक में करेक्शन तो काफ़ी हो गया, ऑल टाइम हाई उसका जो है उससे तो काफ़ी गिर गया ये स्टॉक। ऑल टाइम हाई उसका 1200 है, तो वहाँ से अगर हम उसका फॉल निकालते तो आता है अराउंड 70-80% हो, तो वैसे ही यहाँ पे गिर गया है उसका करंट प्राइस जो यहाँ पे अगर हम पकड़ते हैं तो काफ़ी अच्छा फॉल हो गया है यहाँ पे ये स्टॉक में, और अराउंड बोल सकते हैं कि आधा हो गया है स्टॉक। ओके, लेकिन अगर अगर हम उसको अभी करंट उसका ट्रेंड देखते तो डेली में अभी भी फिर भी वीक है। आप तो ये सेम लेवल पर मिल जाएगा अगर आपको पोजिशनली करना चाहते हो तो ये 6350 है लेवल पर। बट सिंस अभी स्टॉक में यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़े रिजल्ट्स के कारण या थोड़ा स्टेक यहाँ पे कम ज़्यादा हुआ है, तो इसी के कारण मुझे लगता है कि ये स्टॉक में थोड़ा सा अभी प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, स्टॉक में जब मैं बोल रहा हूँ कि स्टेक कम ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, 31% हुआ करता था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, अभी 24 हो गया है। ओके, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया यहाँ पे, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका पीई भी अच्छा है, वैल्यूएशन वाइज अच्छा है कंपनी। ओके, फंडामेंटल वाइज इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम अपने डेली सिकनेस के लिए यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है एक कंपनी अच्छा है। इसका आप अगर डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हो, इसका मैंने वीडियो बनाया है, तो उस टाइम में तो ये 450 के आगे चल रहा था, बट वहाँ से भी पूरा फार्मास्यूटिकल हम देखते हैं यहाँ पे तो पूरा फार्मा सेक्टर ही इन शॉर्ट यहाँ पे करेक्शन में है। तो सारे जो स्टॉक जो पर काफ़ी चले कोरोना के टाइम में, अभी उनमें से यहाँ पे मतलब जान निकल गई और वो काफ़ी डाउन हो गए। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक स्टॉक है यहाँ पे प्रिंस पाइप। ओके, तो प्रिंस पाइप एक एक प्रीमियम कंपनी है, अच्छा कंपनी है। ओके, इसमें आप देखो तो ये स्टॉक पूरा अप ट्रेंड में ही है, पूरा अप ट्रेंड में। अभी ये डेली चार्ट मैंने लगाया यहाँ पे, अराउंड 800 या 900 का उसने हाई बनाया था यहाँ पे रिसेंटली। अगर हम लॉन्ग टर्म में अगर देखते तो आप यहाँ पे देखो कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है काफ़ी, लाइक 300 लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अभी 300 से लेवल्स पे स्टॉक अभी है, लेकिन ये अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये वाला स्टॉक तो ये जो स्टॉक है अभी ये ऊपर का इसका 650 और नीचे आई थिंक 550, ये जो जोन है यहाँ पे ये नैरो जोन में अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं लॉन्ग टर्म ये अगर स्टॉक हम देखते हैं तो अच्छा खासा अप ट्रेंड में है ये। बहुत सारे महीनों का ये मंथली चार्ट लगाया मैंने, बहुत सारे महीनों में इसने यहाँ पे अभी अपर रैली लगाया है, और थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पे। ओके, आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। रिसेंट उसका जो जो प्रॉफिट था वो डिक्लाइन हो गया 10%, तो शायद मुझे लगता है यही कुछ रीजन से तो थोड़ा बहुत उसमें प्रेशर यहाँ पे है, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेट हो सकता है ये वाला स्टॉक। नीचे उसका अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको ये जो 550 का जो लेवल है जो कि उसका मे बी अभी करंट 52 लो भी हो सकता है, उसको आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आपको इसमें बने रहना है, आपको इसमें एग्जिट नहीं करना है। ओके, तो ये अच्छा खासा एक ये स्टॉक ने रैली हुआ है ऑलरेडी। अगर हम देखते हैं नीचे से तो ये स्टॉक में यहाँ पे अराउंड 900
41% के रिटर्न दिए। स्टॉक 80-90 रुपीज़ पे ट्रेड किया करता था, और अगर उसको ऑल टाइम लो देखते तो 60-70 रुपीज़ में ट्रेड करता था, और ये 900 हो गया, तो मतलब 10 गुना पैसा हो गया था इन्वेस्टर्स का यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप बोल सकते कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकता है। नैरो रेंज में अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 550 जो भी उसका ऑल टाइम लो है, उसको स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टर हो तो आपको यहाँ पे कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे MGL, एक वन ऑफ द माई फेवरेट स्टॉक है। अभी मैंने मंथली चार्ट उसका लगाया है। तो हम देखते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी यहाँ पे लाइक गिर गया है। ये स्टॉक वो अराउंड उसका जो हाई था यहाँ पे 1300 रुपये के अराउंड, 1300 से ये स्टॉक गिर के अभी रिसेंटली जो अभी उसका प्राइस चल रहा है वो अभी 33-34% है गिर गया यहाँ पे। उसने अभी जो लो लगाया था 670 के अराउंड यहाँ पे, तो वो 50% से ज़्यादा गिर गया था। तो हम ये जो रेंज देख रहे हैं इसका, ये स्टॉक का, तो हम देखते हैं कि ये स्टॉक ये जोन में था और अभी ये जोन में ही ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये, लेकिन अगर मैं ये मंथली चार्ट है, अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगाऊँ तो आपको दिखेगा ये स्टॉक अभी ये 900 का उसको एक रेजिस्टेंस है। ये जो 900 का जो लेवल है इसको ये स्टॉक बहुत बार यहाँ से नीचे आ जाता है, 900 के अराउंड ये आता है और यहाँ से नीचे आ जाता है। अगर मैं वीकली चार्ट लगाऊँ तो और क्लियर हो जाएगा, क्लियर कर लेता हूँ मैं ड्राइंग्स। तो ये जो 900 का जो जोन है ये बहुत बार ये स्टॉक ने यहाँ से रिवर्स ले लिया है, तो इसको मैं हाईलाइट करूँ तो ये 900 का उसका जोन है। ये 900 का ही जोन है ये पूरा स्टॉक का, यहाँ पे उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। लेकिन ये स्टॉक अभी अगर हम वीकली इसमें देखते हैं या इसमें हम डेली इसमें देखते हैं तो ये स्टॉक अभी बाय में उसका RSI स्ट्रांग है। तो मुझे ये 1000 के लेवल्स पे जाएगा ऐसा यहाँ पे लग रहा है, थाउजेंड्स की यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट होता है था और कंसोलिडेट होता है नीचे आ जाता है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कंपनी एक स्ट्रांग हैंड्स में यहाँ पे, और अगर साइज देखते हैं तो एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है यहाँ पे, तो स्ट्रांग हैंड्स में ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 10% है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे 15% है, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर पैटर्न है यहाँ पे। थोड़ा प्रॉफिट में फॉल हुआ था सिंस गवर्नमेंट रेगुलर्स उसका जो गैस प्राइसेस है थोड़ा गवर्नमेंट का प्राइसिंग का है यहाँ पे, अच्छा खासा डिविडेंड देता है ये स्टॉक। मेरे पास ये स्टॉक था, अभी मैंने रिसेंटली उसको यहाँ पे निकाल दिया है और 950 का ही मेरा बाइंग था, वो है उसी लेवल पे मैंने उसके अराउंड ही मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है, और अभी रिसेंटली मैंने बाय नहीं किया उसको क्योंकि मैं वेट करूँगा। मुझे लगता है ये जो अभी उसका जोन है 710 का नीचे का सपोर्ट है, और 710 यहाँ पे लगता है मुझे यहाँ पे सपोर्ट है उसका, तो ये एक नैरो जोन में ये रह सकता है अगर मैं चार्ट को ठीक से ड्रॉ करूँ यहाँ पे। ये मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो वीकली चार्ट में हम देखते हैं कि ये जो उसका नीचे का जोन है यहाँ पे 700 एंड ये काफ़ी बड़े बड़े वीक्स बने, तो इसमें दिखता है कि ये स्टॉक में कम वोलाटिलिटी है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 710 या 750 और नीचे का उसका जोन है अभी 900 रुपीज़। 900 पे ये आ जाता है, यहाँ से वो नीचे आ जाता है यहाँ पे ये स्टॉक। तो आपको यहाँ पर अगर आपने पोजीशन बनाया है तो आप इसमें होल्ड करके चल सकते हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ से और नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर करेक्ट हो गया तो ये स्टॉक पे भी अच्छा खासा करेक्शन हो जाता है, और थोड़ा भी अगर कोई ऑयल एंड गैस रिलेटेड न्यूज़ भी आ जाता है तो भी इस स्टॉक में अच्छा खासा प्रेशर आ जाता है यहाँ पे। तो ये ऊपर का रेंज था, इसने यहाँ पे ये स्टॉक ने उसको ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे उसने ये नीचे का रेंज बनाया। तो ये अभी ये इस नीचे के रेंज में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आप देखो तो बहुत सालों से एक ही रेंज में ये स्टॉक आगे गया नहीं है, नीचे गया नहीं है, किधर भी गया नहीं है। बट अगर हम उसको ओवरऑल देखते हैं तो कुछ भी ज़्यादा रिटर्न दिए नहीं है जब से ये लिस्ट हुआ है, मे बी 500-600 के प्राइस पे लिस्ट हुआ था, अभी उसी के अराउंड ये स्टॉक आ गया था। तो वैल्यूएशन वाइज तो मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक, अगर हम देखते हैं उनका जो डेवलपमेंट्स वगैरह है तो ये काफ़ी अच्छा उनका यहाँ पे सेटअप बन रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। बट फिर भी अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से और थोड़ा कैपिटल फ्री रखने के लिए, क्योंकि मार्केट में निगेटिविटी होता है तो ये स्टॉक में भी गिरावट हो जाती है, तो डेफिनेटली
शॉर्ट टर्म के लिए तो ये तो डेफिनेटली बुलिश है स्टॉक। अगर आप देखो मार्केट फॉल हो रहा है फिर भी ये स्टॉक में फॉल नहीं हो रहा है, तो बेस तो मुझे लगता है बना लिया है स्टॉक ने। अगर आप पोजिशनली करना चाहते हो इस पे तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया है क्योंकि डिविडेंड्स ले लिया है, 4-5 बार डिविडेंड ले लिया है। अराउंड लास्ट टाइम 16 या 15 रुपीज़ का डिविडेंड था, उसके पहले 11 रुपीज़, तो अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है स्टॉक का, तो मैंने उस हिसाब से काफ़ी अच्छा डिविडेंड ले लिया और यहाँ से एग्जिट कर लिया। बट डेफिनेटली अगर मुझे 700 के अराउंड अगर मिलता है, अगर अगर पैनिक में कुछ अगर मार्केट फॉल होता है तो मैं उसमें और पोजिशन बना सकता हूँ। बट यस, इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें बड़े इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी अपना अपना स्टेक लेके बैठे हैं, तो जो भी यहाँ पे चल रहा है मुझे लगता है कि अपने रिटेल इन्वेस्टर्स ही यहाँ पे चला रहे हैं हम। थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में एक न्यूज़ आया था कि इंस्टीट्यूशन्स ने यहाँ पे कम किया है, बट मुझे वैसा लगता नहीं यहाँ पे हम, क्योंकि देखते हैं कि ये तो प्रमोटर्स है उनका कांस्टेंट ही है। ओके, 29 से यहाँ पे 25 किया है। ओके, तो लास्ट जो जून का क्वार्टर था यहाँ पे जून 21 में 18%, सॉरी 29 से उन्होंने अभी 25 किया है। ओके, 29 से 25 किया है, तो 4% का स्टेक कम हुआ है। कंपनी छोटा है, ज़्यादा लिक्विडिटी है नहीं यहाँ के। ओके, 4% कम किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पे कम किया है स्टेक, लेकिन हम ये प्रीवियस क्वार्टर अगर देखते हैं, प्रीवियस क्वार्टर्स तो यहाँ पे उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, इन्होंने स्टेप किया, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे के बीच में वो स्वाइप कर लिया, बट अदरवाइज किसी ने थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है। तो मुझे लगता है यही एक कारण है कि ये स्टॉक में थोड़ा अभी नेगेटिविटी है। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपना स्टेक अराउंड 5 से 6% कम किया है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी अपना स्टेक 2-3% से कम किया है, बट फिर भी ये स्ट्रांग हो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो आप अगर इसमें पोजिशन बनाया है तो आप इसमें होल्ड करके चल सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।